नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी। आपके निरंतर कमेंट्स में जो प्रश्न आते हैं उनके माध्यम से मुझे यह इतना तो ज्ञात हो गया कि तैयारी तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में अभी कुछ संशय बाकी हैं। कुछ कॉमन प्रश्न जो आप लोग ज़्यादा मुझसे पूछते हैं उनका अलग अलग रिप्लाई देने से ज़्यादा मुझे सही लगा कि इन दोनों तीनों प्रश्नों का, मैंने कहा ना कुछ प्रश्न, दो तीन प्रश्न मुख्य हैं जो सभी जानना चाहते हैं, तो उनका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूँगी। पहला प्रश्न है कि किताबें कौन सी पढ़ें, दूसरा कि मैडम विदाउट कोचिंग के घर बैठे भी तैयारी हो सकती है क्या, तीसरा प्रश्न कि मैम हम कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमेशा बहुत कम नंबरों से हम फाइनल सिलेक्शन लेने से चूक जाते हैं। तो आपके इन दो तीन मुख्य प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगी। दोनों तीनों के उत्तर एक साथ ही होंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किताबों के बारे में। देखिए, दो अलग अलग प्रश्न है। एक प्रश्न यह है कि हिंदी विषय की मुख्य बेहतर किताबें कौन सी हैं, दूसरा प्रश्न यह है कि आपको टीजीटी पीजीटी परीक्षा पास करने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। मैंने ये दो प्रश्न इसलिए किए क्योंकि जब हम हिंदी की किसी भी परीक्षा की बात करते हैं तो हिंदी विषय को हम मुख्यतः मोटे तौर पर तीन टॉपिक में विभाजित करते हैं। पहला व्याकरण, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास और तीसरा है आपका काव्य शास्त्र। बात करें उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तो काव्य शास्त्र का उतना महत्व यहाँ पर नहीं है। ठीक, सबसे ज़्यादा यदि किसी भी पेपर में आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, एक महती भूमिका निभाता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपका तैयार है बहुत बेहतर तरीके से तो आप आधी जंग जीत लेते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका, बल्कि मैं ये कहूँगी कि 50-60% आपका सिलेबस तैयार हो जाता है जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार कर लेते हैं। आरपीएससी की परीक्षाओं में रचनाएं भी लगी हुई हैं, जैसे जो आपकी टेक्स्ट बुक लगी हुई है, जो किताबें लगी हुई हैं, जैसे आपको बता दिया कि ये उपन्यास आपको पढ़ने हैं, ये नाटक आपको पढ़ने हैं, वो सब व्याकरण काव्यशास्त्र ये सब 40-50% में सिमट के रह जाता है, लेकिन आपके लगभग 50-60% को कवर करता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, एक साथ दो से तीन परीक्षाओं की तैयारी करना मजबूरी कह लीजिए क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। ठीक, अब दो से तीन परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो या अलग अलग राज्यों से आप सोच रहे हो कि DSSSB का भी मुझे भरना है, यूपी टीजीटी पीजीटी का भी भरना है और ये सारे भरने हैं, सबसे पहले उनके सिलेबस आप एक जगह रखिए। ठीक, अब उनमें जो कॉमन टॉपिक है, और सारे टॉपिक अलग अलग रह सकते हैं लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास सभी परीक्षाओं में लगा रहता है, सभी राज्यों की हिंदी विषय की सभी परीक्षाओं में। तो देखिए, हिंदी आपके लिए कुछ किताबें मैंने यहाँ रखी हुई हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। आजकल आप किसी से भी पूछेंगे, कहीं से भी पूछेंगे तो आपको इस पुस्तक का नाम बताया जाएगा। यह है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। अच्छी पुस्तक है, आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैं स्वयं इस पुस्तक को आपको पढ़ा रही हूँ। हालांकि नहीं पढ़ानी चाहिए पूरी पुस्तक, यूट्यूब पे इस तरीके का कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप लोगों ने आग्रह किया तो मैंने इस पुस्तक को आपको पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में पूरी आपको मिल जाएगी। अच्छी पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक अच्छी तभी है, इस पुस्तक से आप तैयारी तभी कर सकते हैं जब आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की एक बेसिक जानकारी हो। मान लीजिए यदि आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, वहां से आप तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ रखा है, काल परिस्थितियों को, तो ये पुस्तक आपके लिए लाभदायक है क्योंकि इस पुस्तक में वस्तुनिष्ठ इतिहास है, अर्थात मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं, जो रचनाएं हैं उनके रचनाकार हैं, और जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न जिस तरीके के पूछे गए तो उन सब का एक संकलन जैसे ये पुस्तक है, काफ़ी अच्छी है। जैसा मैंने कहा, मैं प्लेलिस्ट में स्वयं आपको करवा रही हूँ तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि टीजीटी की योग्यता है बीए और बीएड, तो ये ध्यान रखना है हमें कि बीए तो वन वीक सीरीज के आधार पर भी हम पास कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्राइवेट बीए करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं हिंदी से बीए बहुत ज़्यादा सीरियसली अधिकतर स्टूडेंट नहीं करते, बहुत सारे ऐसे भी अच्छे विद्यार्थी हैं जो गहन अध्ययन करते हैं, लेकिन मैं अधिकतर बात कर रही हूँ जो सामान्य बात है। तो
इस पुस्तक को उठाकर रट सकते हैं, आपकी रटने की शक्ति अच्छी है तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत कारगर है, आप रट लीजिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है इस पुस्तक की लंबाई चौड़ाई देखकर कि आप इसकी रचनाएं रट सकते हैं। ठीक, अब 8 से 10 बार आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे रटेंगे इतना आपको समय लगेगा, फिर भी कोई निश्चित नहीं है कि आपके पास परीक्षा में प्रश्न आए उस नियत समय में आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाए। ये पुस्तक आपके लिए कारगर तब होगी जब आपको हिंदी साहित्य की एक बेसिक समझ होगी। अगर कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए तो कर लीजिए, हिंदी साहित्य की आपको जानकारी है तो इस पुस्तक को ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से कर लीजिए। समय का अभाव है तो भी ये जो पुस्तक है प्लेलिस्ट में है, आप अपना काम करते करते इसको सुन लीजिए। ये हो गई एक बात, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ आपके अन्य संशयों पर। दूसरी बात, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास यह पुस्तक बहुत सारे लेखकों की है, विश्वनाथ त्रिपाठी की भी आती है, मैंने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो मैंने स्वयं उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है जो विश्वनाथ त्रिपाठी वाली आ रही है, लेकिन रिव्यू उसके अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखिए ये 11th 12th की मेरी पुस्तकें हैं, ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं, ये 11th क्लास में चलती थी, हाल फिलहाल तो NCERT का सिलेबस चलता है, तो ये 11th क्लास में चलती थी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और इसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक का इतिहास ये 11th में पढ़ाया जाता था। इसके बाद 12th में इसकी स्थिति आप देख रहे हैं। इसके अलावा 12th में ये पुस्तक चलती थी, इसमें आधुनिक काल का गद्य और पद्य वाला पोर्शन पूरा दिया हुआ है। ये दोनों पुस्तकें मैं आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अगर आज तक भी आप हिंदी साहित्य के बारे में कुछ नहीं जानते, आप मान लीजिए भूल जाइए कि BA करा है या MA करा है, भाई नहीं पढ़ा, हम किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाए, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, मैं टॉपिक पे नहीं जाऊंगी, मतलब टॉपिक से नहीं भटकेंगे कि क्या क्या कारण रहते हैं। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, व्यस्क हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं, तो उस पे चर्चा नहीं करेंगे कि हमने पढ़ाई अच्छी नहीं करी या बिल्कुल सीमा पर ही हम पास हुए, जो भी। अब फॉर्म फिल कर दिया है, अब हमें पढ़ना है, तो ये दोनों पुस्तकें बहुत पतली, आकार देखिए आप इसका, इतनी सी बस, ये दोनों पुस्तकें मैं आपको करवा दूंगी। तो आपकी जो सबसे जो कॉमन प्रश्न आ रहा है कि मैडम हमें समझ में ही नहीं आता कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, तैयारी आप यहाँ से शुरू करिए। हम मान लीजिए हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ABCD से शुरू करते हैं ना, या हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो वर्णमाला से शुरू करते हैं, तो ये हिंदी साहित्य की वर्णमाला है। लेकिन ये अपने आप में इतनी कारगर पुस्तक है कि मैंने इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर एग्जाम पास किया है, तो क्योंकि मैंने पढ़ा है, इनकी स्थिति आप देख रहे हैं, रंगी पड़ी हैं ये पुस्तकें, इनमें वो ज्ञान है, लगता है 11th 12th की पुस्तकें ये क्या काम आएंगी, लेकिन इन पुस्तकों को अगर आप कर लेते हैं तो TGT PGT आपकी कहीं जा नहीं रही। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा PGT के लिए देखिए, TGT के लिए तो ये दोनों पुस्तकें अब आपके पास नहीं है, मैंने आपको कहा ना सरल इतिहास अन्य लेखकों का भी मिलता है, आप ले लीजिए, बाकी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आपको जैसे ही ये समाप्त होने वाली है इसकी क्लासेस में प्रारंभ करने वाली हूँ, इसको पढ़ लिया उसके बाद आप इसे पढ़ें, पुनीत राय की भी आती है और भी वस्तुनिष्ठ इतिहास आते हैं, इसको करके यानी एक बेसिक समझ के बाद, संक्षिप्त सरल के बाद, क्या आदिकाल की परिस्थितियाँ थी, क्या भक्तिकाल की परिस्थितियाँ थी, क्या रीतिकाल की परिस्थितियाँ थी, आधुनिक काल में क्या लिखा गया, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्र, जब आप इनसे परिचित हो जाएंगे तो ये रचनाएं और ये पुस्तक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। जो 10 बार पढ़कर भी नहीं रट पाओगे ना, फिर 2 बार आप कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हो गई TGT के विद्यार्थियों के लिए, PGT वाले विद्यार्थी आपके लिए रामबाण है, आपको दिखाई दे रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ये पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पूरी पुस्तक में जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके सहित, मुख्य बिंदुओं के सहित ये पूरी पुस्तक मैं प्लेलिस्ट में आपको करवा चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट से आप इसको पढ़ लीजिए। थोड़ी सी कठिन है, एक प्रथम दृष्टया आपको ये कठिन लगेगी, थोड़ी सी कठिन है ना, भाषा शैली आचार्य रहे हैं आप, PGT दे रहे हैं, NET दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, ये हिंदी साहित्य का रामबाण है। ये जो वस्तुनिष्ठ इतिहास जिसकी चर्चा वर्तमान में बहुत है, इसमें भी इसी पुस्तक के संदर्भ आपको मिल जाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल वो कहते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। इसके अलावा
रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य का संवेदना एवं विकास भी है, डॉक्टर नगेंद्र की भी मेरे पास रखी हुई है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। मैंने आपसे कहा ना, दो प्रश्न है, हिंदी साहित्य की अच्छी पुस्तकें कौन सी हैं, ये एक ज्ञान प्राप्त करने वाली बात है। लेकिन हाल फिलहाल टीजीटी पीजीटी की चर्चा करूं तो सरल इतिहास, सरल इतिहास के बाद ये वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसे करिए, और सरल इतिहास के बाद आप शुक्ल को ले लीजिए, फिर आप टीजीटी पीजीटी क्या कोई भी भारत की कठिन से कठिन परीक्षा दें, सब आपके लिए ईजी हो जाएगा। और ये सभी पुस्तकें आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। रामचंद्र शुक्ल की बुक वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसका मैं लिंक दे दूंगी और ये हम प्रारंभ कर देंगे। ये बात हो गई आपकी पुस्तकों की। रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण के लिए आप कामाता प्रसाद गुरु को ले लीजिए या हरदेव बिहारी को ले लीजिए। आरपीएससी वाले जो विद्यार्थी हैं, जो राजस्थान से संबंधित हैं, उनके लिए राघव प्रकाश की आती है व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ठीक है। ये इतना सब कुछ भी नहीं है, तो आपके आसपास जो 9th 10th दे रहे हैं एनसीईआरटी की बढ़िया पुस्तक आ रही है, उनसे आप आपके जो टॉपिक लगे हुए हैं व्याकरण के वो तैयार कर लीजिए। दैट्स इट, कुछ ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि व्याकरण में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पूछने को, तो देखिए कुछ भी पूछ सकता है। आप 1000-2000 किताबों पर खर्च कर दीजिए व्याकरण वालियों पर, वो क्या पूछेगा आपको नहीं पता, कॉमन वही चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, प्रश्न पत्र कैसे आएगा, इन सब के लिए आपको पढ़ने हैं पुराने पेपर। तीन चीज हो गई, फर्स्ट आपका सिलेबस और दूसरा पुराने पेपर। पुराने पेपर अलग अलग प्रकाशक के आते हैं, बहुत सारी उसमें गलतियां होती हैं, मिसप्रिंट होते हैं, छपाई में प्रिंटिंग में गलतियां हो जाती हैं। तो ये टीजीटी का मेरे पास पुराना वाला है, शिल्पी का है, ये ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा कह सकते हैं आप। ये भी प्लेलिस्ट में पूरा करवा दिया। यूपी टीजीटी के पुराने पेपर जितने अब तक आयोजित हुए 2000 से लेकर लास्ट आपका जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, वहाँ तक के सभी पेपर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। यूपी पीजीटी के जितने पेपर अब तक हुए हैं सब प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। नेट परीक्षा के जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं सब प्लेलिस्ट में हैं। आरपीएससी के पुराने पेपर प्लेलिस्ट में हैं, एनवीएस के पुराने पेपर प्लेलिस्ट में हैं, और प्रैक्टिस सेट्स हिंदी साहित्य के अलग अलग टॉपिक को लेके, आदिकाल के अलग, भक्तिकाल के अलग, रीतिकाल के अलग, वह भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। कुछ भी खरीदने की आवश्यकता आपको है नहीं, प्लेलिस्ट से आप डेली पुराने पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी खरीदना चाहें तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यूथ पब्लिकेशन और एक और है घटना चक्र, या इस तरीके से करके प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन मैं उनकी गारंटी नहीं लूँगी। अब मैं आपके लिए कुछ प्रश्न पत्र ऑनलाइन मंगाने का प्रयास करूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ गांव में तो इतनी शॉप नहीं है कि मैं जाके ले आऊँ और आपको पढ़ा दूँ, आसपास उपलब्ध है नहीं। तो जैसे मैंने आपके लिए कुछ पुस्तकें ऑनलाइन ऑर्डर करी हैं, वैसे ही आपके लिए मैं वह भी मंगाने की सोच रही हूँ, तो मैं वो करवा दूंगी। लेकिन फिर भी आप लेना चाहें तो ये पब्लिकेशन ठीक ठाक है, प्रिंटिंग संबंधी गलतियाँ कम हैं अपेक्षाकृत। लेकिन आप इन बुक्स को कर ले रहे हो, उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी प्रैक्टिस सेट्स की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस सेट करने ही है तो पुराने पेपर सॉल्व करिए, वो सबसे अच्छे प्रैक्टिस सेट है। आप ये नहीं सोचिए कि पीजीटी का है तो टीजीटी वाले हैं तो भी पीजीटी का सॉल्व करना है, पीजीटी वाले हैं तो भी टीजीटी का सॉल्व करना है, ठीक है। और आप इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार आपको एक सीट लेने से कोई रोक लेगा। कम सीटें हैं, परीक्षा आगे जाएगी, ये होगा वो होगा, ये सारी बातों से प्लीज़ आप बचिए, ठीक है। अपना टारगेट सेट करिए, आप अपना टारगेट सेट करिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा और तब तक हमें तैयारी करनी है। हो जाता है तो बल्ले बल्ले, आगे खिसक जाता है तो रिवीजन के लिए और टाइम मिल जाएगा, और आगे खिसक जाता है 4-5 बार रिवीजन कर देंगे, जितना आगे जाएगा हम अपनी सीट के करीब चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो गया तो भी तो तैयारी करनी है ना, तो सोचना क्या है। किताबें आपको मालूम चल गई, पुराने पेपर आपको मालूम चलेंगे, समय नहीं है कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट ऑन करिए, फोन तो है, आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब फोन तो है ना, क्या कोई स्पीकर ऑन करिए, क्या फर्क पड़ता है, बर्तन मांजते हुए सुनिए, खाना बनाते हुए सुनिए, रोटियां बेलते हुए सुनिए, भाई लोग शेविंग करते हुए सुनिए, जैसे भी सुनना है सुनिए, बस सुनना ही तो है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ करवा ही दिया, ज्यादा मैं क्या कहूँ, है ना, बस इतना ही है। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, इसी चैनल का दूसरा भाग भी है हिंदी बुकशाला, जहाँ आपको आपकी किताबें
जिसमें उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, निबंध जो भी आपके सिलेबस में लगे वो मिल जाएंगे हिंदी बुकशाला को। यूट्यूब पे सर्च करिए या फिर मैं लिंक दे दूंगी, उस लिंक के माध्यम से यूट्यूब बुकशाला पर पहुंच जाइए, किताबें पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।